अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहली खबर की ओर साथियों चलते हैं। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है, आपको दोस्तों पता होगा कि यदि आप कतर में रहते हो तो कतारा में इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स फेस्टिवल लगाया जाता है, यानी घोड़ों का एक फेस्टिवल होता है, वो हर साल वहां पे कतर में लगाया जाता है, जिसका कहा जाता है कतारा इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स फेस्टिवल। तो दोस्तों इसकी जो अनाउंसमेंट है कतर में वो कर दी गई है। दोस्तों ये जो लगाया जाएगा ये 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक दोस्तों ये कार्यक्रम होगा, यानी ये जो फेस्टिवल, ये त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा जहां पे लगाया जाता है। तो यदि आप ये देखना चाहते हो 2 फरवरी से 5 फरवरी तक आप देख सकते हो। इसमें अलग अलग किस्म के घोड़े, अलग अलग जाति के घोड़े, अलग अलग टाइप के घोड़े आपको इसमें देखने को इस फेस्टिवल में मिलने वाला है। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथियों बताना चाहूंगा आपको कतर वैक्सीनेशन को लेकर, तो साथियों बताना चाहूंगा बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बुग्रान, वहां पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था लगभग 9 जनवरी को, तो दोस्तों 9 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था और आज लगभग साथियों ये है 17 जनवरी सुबह आज हो चुकी है। तो 6 से 7 दिनों के अंदर लगभग वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को वहां पे दी जा चुकी है, जिनमें से अलग अलग टाइप के लोगों को दिया गया इंडस्ट्री एरिया में या फिर जो भी एरिया वहां पे, सभी एरियाओं में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन अब तक वहां पे दी जा चुकी है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन के तरफ से हमारा तरफ आ रही है। तो दोस्तों उनके तरफ से कल के दिन ये ट्वीट करके बताया गया कि वहां पे एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों इतनी अच्छी होगी, इतनी पावरफुल होगी कि यदि आप पेमेंट आप कर देते हो इलेक्ट्रिसिटी का, जो महीने का आपका बिल आता है, तो 5 मिनट के अंदर फिर से वो रिस्टोर हो जाएगा, यानी फिर से वो जीरो लेवल में आ जाएगा, फिर से वहां से वो स्टार्ट होगा। तो ये मीटर जो है लगाना हर कतर में स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे जगहों पे इसे लगाया भी जा रहा है। इससे लोगों को क्या होगा, परेशानियां नहीं होंगी और वक्त भी काफी इससे बचने वाला है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो ब्रिटेन से आ रही है। तो पर दोस्तों ब्रिटेन से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। यदि आप कतर जो लोग कतर से ट्रैवल करते हो ब्रिटेन, तो उसके लिए काफी बड़ी खबर है। वो लोग अब बिना PCR सर्टिफिकेट के ट्रैवल कर पाएंगे। जी हां साथियों, ब्रिटेन की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि बहुत ही जल्दी जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे या फिर जो लोग बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे, उन लोगों को वहां पे अब PCR जांच या फिर क्वारंटीन रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। बहुत ही जल्दी ये सब चीजों को ब्रिटेन से हटा दिया जाएगा। तो जो लोग दोस्तों वहां पे फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बूस्टर डोज ले चुके, तो उन लोगों को ब्रिटेन जब वो ट्रैवल करेंगे तो उन लोगों को किसी तरह का वहां पे क्वारंटीन या PCR नहीं ले जाना पड़ेगा। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से आ रही, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर लगभग 831 लोगों को पकड़ा गया है कोविड-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए, जिनमें से साथियों 800 लगभग इसमें से साथियों। अगली जो अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से आ रही, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर आज लगभग 1749 लोगों को पकड़ा गया है कोविड-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए, जिनमें से 898 लोग ऐसे थे जो कि मास्क को नहीं पहने थे, 831 लोग ऐसे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, और 20 लोग ऐसे थे जो कि एहतराज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए थे, जो कुल मिलाकर 1749 लोग लगभग हो जाते। सभी पे वहां पे लॉ नंबर 17/1990 के तहत इंफेक्शन डिजीज फैलाने के जुर्म में सभी को पकड़ा गया है और सभी पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथियों वो आ रही है न्यू शिपमेंट को लेकर। साथियों बताना चाहूंगा कतर के तरफ से दोस्तों वहां बैरियट में, रिपब्लिक ऑफ जिसे लेबनान कहा जाता है, उनका राजधानी है बैरियट, तो उनको साथियों लगभग 70 टन फूड को भेजा गया है मदद के लिए। तो दोस्तों लगातार कतर जो है मदद करती रहती है लेबनान का, इस बार भी 70 टन फूड भेजा गया कार्गो विमान के जरिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।